हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है किड्स मूड। आज इसी एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर इसका क्या यूज है और किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जो किड्स मूड एप्लीकेशन है ये बेसिकली इसका क्या यूज है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपना फ़ोन उन्हें देते हैं यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है वो कई बार कुछ ज़्यादा टाइम तक आपका फ़ोन यूज़ कर लेते हैं और आपका नेट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। साथ ही साथ आप इसमें लिमिट्स भी लगा सकते हैं, आपके बच्चे कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे, वही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपको तीन एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। पहला है म्यूज़िक, दूसरा है वीडियो, तीसरा कैमरा। यहाँ इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आपके फ़ोन में जहाँ पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको वहाँ पर अपने उंगली को लगाना है एंड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, मैनेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मैनेज ऐप्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके घर के जितने भी बच्चे हैं वो अगर कैमरा यूज तो करेंगे या फिर नहीं तो आप उसको लगा टिक कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करते हैं तो उसको हटा दीजिए। गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पे गेम्स को आप टिक कर दीजिए। आप जिन भी एप्लीकेशन को चाहते हैं कि वो चलाएं और उसके अलावा कोई एप्लीकेशन ना चलाएं तो उस पर आप अनटिक कर दीजिए। जो भी आप वो चलाना चाहते हैं उस पर आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपके हिसाब से कस्टमाइज हो गया है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। लो बैटरी ऑटो डिसेबल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से आप परसेंटेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि 10 मिनट आपकी कि 10% जब बैटरी डिसेबल होगी उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि 10% जब हमारा फ़ोन यूज हो जाएगा उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से 15 मिनट और 20 मिनट इस तरीके से लिमिट लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा। अगला देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है टाइम का, टाइम लिमिट्स का। यहाँ से आप टाइम का लिमिट्स लगा सकते हैं यानी कि आपका बच्चा कितने देरी तक फ़ोन को यूज करेगा, 30 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आप उसे वहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे कस्टम पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। डेटा नेटवर्क एक काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसका हेल्प आप किसके लिए कर सकते हैं कि आप उसे कितना नेटपैक देना चाहते हैं, 100 MB यूज़ करेगा या फिर 500 MB यूज़ करेगा, जो भी नेटवर्क वो यूज़ जितना भी इंटरनेट वो यूज़ करना चाहे आप उसका लिमिट यहाँ से लगा दीजिए जितना भी आप उन्हें देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 100 MB उन्हें देना चाहते तो उसका लिमिट आपने लगा दिया तो इस तरीके से वो 100 MB यूज़ कर पाएंगे। और इसका अपडेट भी आता है जहाँ से चेकिंग फॉर अपडेट पर आप क्लिक करके इसे अपडेट भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अपडेट करना नहीं है। और यहाँ पे वॉलपेपर भी, बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर आते हैं उसे भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी चेंज हो गया है और यहाँ पे हमने जो गेम ऐड किया था वो आ गया है। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद दे सकते हैं बच्चों को अपने फ़ोन को चलाने के लिए। और यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि ये गेम कितने एमबी तक यूज़ कर पाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ से आपको एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।